हेलो, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर, आपने तो पता क्वेरीज कराओगे, क्वेश्चन आंसर थे आपके। हाँ, क्वेश्चन आंसर है, लेकिन मैं पता है क्या चाह रहा हूँ। ये सारे आपके चैप्टर है ना बायोलॉजी के, सारे ही सिंक में हैं, सारे ही सिंक में हैं। अब देखो, लास्ट चैप्टर में जर्मिनेशन थोड़ा सा छिड़ा था, थोड़ा सा छिड़ा था, और सीड्स की स्टार्टिंग थोड़ी सी थी। अब यहाँ पर पूरा सीड्स का पूरा चैप्टर है, तो आप समझ, सारे सिंक में है। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार सिलेबस आपका अगर बायोटेक का कंप्लीट हो जाए। आई थिंक आपको लास्ट चैप्टर है, अगर नहीं तो मुझे सेंड कर देना। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा सिलेबस हो जाए ना, तो मैं एक टॉपिक की डिटेल में कॉम्बो पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो मैं एक पूरी की समरी बना दूँ एक बार, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कुछ आप पैराग्राफ अगर घर पर पढ़ोगे तो आपको वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। बेशक मैंने समझाया है, लेकिन मैंने एक लाइन करके समझाया है ना, एक स्टोरी वाला फ्लो जो होता है वो नहीं आ पाएगा, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ चैप्टर सारा हो जाए, सारे चैप्टरों के कंबाइंड एक समरी बना दूंगी, और ये चैप्टर सारे के सारे इंक्लूड होंगे सारे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कुछ समरी के बाद ही मैं आपको जो आपकी रिमेनिंग क्वेरीज जो दे रही हैं वो करा दूँ, ठीक है। और आपको जो जो सिलेबस रह गया मुझे जल्दी से सेंड करते जाओ, आपकी डेट भी आने वाली है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ये बातें बाद में करेंगे। चैप्टर का नाम है सीड्स, चैप्टर का नाम है सीड्स, टाइटल है बेसिकली सीड्स। फिर उसको उन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया कि सीड्स में भी क्या, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, और सीड्स का जर्मिनेशन पढ़ना है। तो जर्मिनेशन का आपको तो मैं आपको रफली बताया था, ग्रो होना बेसिकली, ठीक है। जर्मिनेशन का यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है जर्मिनेशन की। मीनिंग वो ग्रो ही होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रफुल्लित होना, ठीक है। वो आपको नहीं समझ में आएगा तो मैंने आपको इसे ग्रो बोला। तो एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेंगे, यानी दो चीज़ें हमें पढ़नी, तीन चीज़ें बेसिकली बोलो, एक ही चीज़ बोलो। एक सीड्स पढ़ना है, लेकिन सीड्स में भी सीड्स के बारे में पढ़ना है बेसिकली। सीड का स्ट्रक्चर जाना है कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर सीड जर्मिनेट कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है, ग्रो कैसे होता है, सीड से फ्लावर, फ्लावर से प्लांट कैसे बनता है, या फिर फ्लावर से प्लांट वो फ्रूट कैसे बनता है, ये चीज़ें हैं ना। तो पहले सीड के बारे में बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है कि हमारी हो रही है, हो जा जूम हो जा। व्हाट इज अ सीड, व्हाट इज अ सीड। तो कह रहे हैं बिफोर वी टॉक अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू रिफ्रेश नॉलेज अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म सीड। सीड एंड ग्रेन इम्पोर्टेंट लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ भी ले आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर हम सीड की जर्मिनेशन की बात करें तो उसको उसके बारे में बात करने से पहले एलिमेंट रहेगा, ये रेलिवेंट रहेगा, एप्रोप्रिएट मतलब क्या उचित, रेलिवेंट ये सही रहेगा कि हम आपकी नॉलेज को थोड़ा रिफ्रेश करें। तो कौन सी नॉलेज को, ये फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है, ग्रेन क्या होते हैं, इनकी जरा नॉलेज को आपकी रिफ्रेश करें। तो बता रहे हैं फ्रूट सीड ग्रेन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉलेज के लिए भी एग्जाम पर्पज से तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, वो कुछ ही पूछ सकते हैं, लेकिन आप अगर बायो पढ़ रहे हो तो आपके पता होना चाहिए, और प्लांट्स प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फ्रूट क्या कह रहे हैं, फ्रूट इज द एनलार्ज राइपन ओवरी। ओबली क्या होते हैं, फिर एक किसी भी फ्लावर का पेट होता है बेसिकली, मैं बोल सकूँ तो, है ना, जो बाद में अलग सा हो जाता है, जो हमने बाद में बोला जो अलग होकर फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पेट की तरह ग्रो होता है, सब बच्चे पेट में ग्रो होते हैं, फिर वो वहाँ से अलग हो जाते हैं, बेबी बन जाते हैं। ऐसे एक एक प्लांट का ये क्या होता है, इसमें स्टोमक कह सकते हो आप, जो वहाँ से अलग होकर क्या होने फ्रूट बन जाता है। तो अब ये पहले हमने उल्टा पढ़ा था, पहले हमने ओबली को फ्रूट पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, अब वो फ्रूट को ओबली बता रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो कह फ्रूट क्या है, एक बड़ा हुआ, एक बड़ा हुआ, एक ऐसा जो बड़ा हुआ है, जो बड़ा है और रायपन है पक चुका है, और एक ऐसी ओबरी, यानी एक ऐसा ओबरी जो क्या बड़ा हो, राइप हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। तो फ्रूट क्या है, एक एनलार्ज रायपन ओबरी है, एक रायपन ओबरी है। ओवेरियन वॉल, अभी जो ओबरी की जो वॉल होती है उसके कह रहा है फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल विच एनक्लोजेस द, वो कह रहा है जो होती है जिस जो इस फ्रूट की दीवारें बनाती हैं, और जो क्या करते हैं सीड को एनक्लोज करके, यानी सीड को बंद करके रखती हैं, ठीक है। द फ्रूट
करता है, क्या वो फ्रूट क्या करता है, इस सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है, इस सीड को प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब क्या, कि आप इस सीड को दोबारा से यूज़ कर सकते हो, इस सीड की जो यूजेबिलिटी है ना वो ख़त्म नहीं होने देता है। आपको पता होगा अगर आप मैंगो खाए तो मैंगो के अंदर जो सीड होता है जिसको गुठली बोलते हैं बेसिकली, अगर आप उसको भी वो कर दोगे तो वो भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि तो उसके अंदर डिस्पर्सल वाली क्वालिटी होती है यानी उसके अंदर यूजेबिलिटी रहती है, वो दोबारा से ग्रो हो सकता है। सीड्स में क्वालिटी होती है, बहुत सारे फ्रूट्स में ऐसा था बीज होते हैं, ठीक है, तो आप उनसे एक और प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो ये चीज़ फ्रूट की वजह से हो पाता है, फ्रूट को प्रॉफिट करके रखता है। एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया मैंगो का, दे दिया उन्होंने पी पॉड दे दिया, ठीक है। ये तो बात है फ्रूट की। अब सीड क्या है, तो सीड ऑव्यूल है। ऑव्यूल ऑब्लिक क्या, ऑव्यूल ऑब्लिक थोड़ा सा क्लैरिटी है नहीं है, तो हमने देखा था, हमें थोड़ा क्लियर करने में तो स्टमक बोला था, तो स्टमक ये नहीं था एक्चुअली, स्टमक ये था क्या, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि स्टमक होगा जिसको हम ऑव्यूल बोलेंगे, स्टमक होगा उसको वो उसको क्या बोलेंगे, इसको तो ऑव्यूल बोलेंगे, ऑव्यूल बोलेंगे, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो स्टमक है ना। फिर इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ रूम्स बने होते हैं, इसके अंदर क्या बने होते हैं, कुछ रूम्स बने होते हैं, कुछ रूम्स बने होते हैं, कुछ रूम्स बने होते हैं। मैं सर्कल बहुत बड़ा ले लिया, रूम बनाते बनाते टाइम लग जाएगा, ठीक है, कुछ रूम्स बने होते हैं, ठीक है। तो रूम्स में से एक रूम, किसी भी एक रूम का बोल सकते हो, किसी एक पार्ट का बोल सकते हो ओबली, किसी भी पार्ट को क्या बोल सकते हो आप, ओबली बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो ओबली। तो वैसे स्टमक का ही एक पार्ट होता है ओबली, तो ओव्यूल क्या हो गया पूरा स्टमक, ओबली क्या हो गया उस स्टमक का अंदर का पार्ट है, एक जगह है ना। तो सीड क्या, सीड ओव्यूल है, सीड क्या है, एक राइपन ओव्यूल है ना, एक राइपन क्या ओव्यूल है, एक कंटेंस एन एम्ब्रायो। इसके अंदर एक एम्ब्रायो नाम का चीज़ होता है, एक एलिमेंट होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है, सब एबिलिटी देता है एक प्लांट में डेवलप होने की, जिसको क्या देता है एबिलिटी देता है कि प्लांट को मैं क्या उससे ग्रो हो सके, यानी एम्ब्रायो क्या करता है, एम्ब्रायो ही सीड को हेल्प करता है एक प्लांट में डेवलप होने की, ठीक है, होने के लिए। द सीड कोट, सीड कोट मतलब सीड का जो छिलका होता है बेसिकली, वो प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो, और जो सीड का जो छिलका होता है वो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। एग्जाम्पल दे रहा है सीड का, बीन सीड या पीज है ना, ग्रेन, हिंदी में अनाज बोलते हैं, तो ग्रेन इज एक्च ग्रेन इज एक्चुअली फ्रूट। ओहो, तो देखो फ्रूट है, हाँ देखो फ्रूट है, फ्रूट मतलब क्या, फ्रूट मतलब ये मत समझना सा जो खाने वाला फ्रूट है जिसको हम डायरेक्ट खा लेते हैं, तो हम ग्रेन को सीधे खाते हैं नहीं, ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन होगी हम सुनते आ रहे हैं। फ्रूट मतलब जैसे मैंगो हुए, वाटरमेलन हुए, ठीक है, तो इनको आप खा सकते हो नहीं, ये इसका फ्रूट तो नहीं, इनका फ्रूट मतलब एक ओवरी जो राइप हो चुका है, जो राइप हो चुका है, ठीक है। तो ग्रेन क्या है, एक ओबली ही है जो राइप हो चुका है, ठीक है, लेकिन इस तरह का फ्रूट है जब खा नहीं सकते, इसको दोबारा से और प्रोसेस के अंदर की जाती है, तब आप इसको यूज कर सकते हो, तब आप इसको खा पाओगे, ठीक है। तो इसलिए लिखा है ग्रेन इज एक्चुअली फ्रूट एंड हु इज द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर। इसके अंदर फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों ही क्यों होते हैं, एक साथ ही फ्यूज होते हैं ताकि कंबाइंड होते हैं, ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सके, और इस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ये खाने वाली चीज़ें छिपी हुई होती हैं, मेज है ये, ठीक है ये। मोर अबाउट सीड, सर सीड के बारे में ज़्यादा, फ्रूट के बारे में, ग्रेन के बारे में, आपका सीड चैप्टर ही आपका सीड का है, चैप्टर ही आपका सीड का है, ठीक है। तो सीड्स के बारे में बताया, तो सीड हमने पढ़ा क्या था, सीड क्या था, एक राइपन ऑव्यूल था जिस जो कि एम्ब्रायो की हेल्प से डेवलप हो पाता है, बस इतना याद रखना है और बाकी डिटेल में आगे पढ़ी लेंगे। तो क्या करा है, इट इज़ अ ऑव्यूल, इट इज़ अ ऑव्यूल, ठीक है, लिखा हुआ है, जो कि मैच्योर हुआ है यानी जो बड़ा हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बड़ा हुआ है। फर्टिलाइजेशन पता है ना, मेल पार्ट का, मेल ऑर्गन्स का फीमेल ऑर्गन से, मेल जो उसके जो प्रकार के पार्ट थे उसका मेल फीमेल ऑर्गन से जब फ्यूजन होता है, कॉम है ना, फ्यूजन होता है,
उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ बड़ी होती है उसको बोलते हैं, तो उसके बाद जो ऑविल बड़ा होता है उसको बोलते हैं सीड, है ना। तो कह रहे हैं इट कंटेन्स अ टाइनी लिविंग प्लांट, इसके अंदर एक लिविंग सब्सटेंस और होता है, उसको आप प्लांट ही बोल सकते हो, द एम्ब्रायो, दी एम्ब्रायो, द एम्ब्रियो, है ना, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, दी एम्ब्रियो, ठीक है। तो बता रहे हैं एम्ब्रियो कैसे बनता है, तो वो कह रहे हैं एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, जब वो न्यूक्लियस आपस में, स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तब जाकर ये बनता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो के बारे में क्या कहता है, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल, इसके अंदर एक रेडिकल होता है, एक प्लमूल होता है, पार्ट्स में बेसिकली सीड के, है ना, एक कॉटिलेडॉन्स होता है और सीड लीव्स भी होते हैं, ठीक है, यानी कॉटिलेडॉन्स को ही सीड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, फ्यूचर रूट, फ्यूचर शूट, फ्यूचर लीव्स, सर ये क्या है समझ नहीं आ रहा, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, सर रूट शूट लीव्स तो पता है फ्लावर्स के सब पार्ट होते हैं, रूट शूट लीव्स तो पता है फ्लावर के या किसी प्लांट के पार्ट होते हैं बीच के लिए, लेकिन फ्यूचर मतलब क्या है, फ्यूचर मतलब जो अभी नहीं है लेकिन जो बाद में आएगा, फ्यूचर मतलब क्या, जो आज अभी नहीं आ पा लेकिन जो बाद में आएगा। तो कह रहे एम्ब्रियो के अंदर एक ऐसा, एम्ब्रियो के अंदर ऐसी तीन चार चीज़ें होती हैं जो कभी दिखाई नहीं देंगी, जो बाद में आपको दिखाई दे पाएंगे, जैसे रूट्स हैं उस एम्ब्रियो के अंदर होती हैं, ये सूट हैं ये भी एम्ब्रियो के अंदर होती हैं लेकिन अभी नहीं दिखाई देंगे, बाद में लीव्स जो अभी नहीं आएंगी जो बाद में आएंगी, तो उसके अंदर वो होता है। तो यानी कि जो डेवलप बेसिकली होता है, आप कह सकते हो सीड डेवलप खुद में नहीं होता, सीड तो एक तरह का स्ट्रक्चर है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना बेसिकली वो ग्रो होता है, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, सीड के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर ये तीनों चीज़ें, तो सीड ग्रो नहीं करता है बेसिकली, एम्ब्रियो ग्रो करता है, लगता है कि सीड ग्रो कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। द एम्ब्रियो रिमेन्स इन एन रिमेन्स इन एन इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं है, डोरमेंट जिसको बोलते हैं, डोरमेंट मतलब एकदम डेड बॉडी की तरह जो किसी काम पे नहीं है, बिल्कुल ऐसी खाली एकदम, तो इनएक्टिव आप समझ सकते हो बेसिकली ना, इसको डोरमेंट भी बोलते हैं। बट अपॉन एक्सपोजर टू फेवरेबल कंडीशन, यानी एक ऐसा सुस्त इंसान है ये एम्ब्रियो, एक ऐसा सुस्त इंसान है जो लाइफ टाइम तो सुस्त रहेगा लेकिन जब उसके काम की बात आएगी, जब उसकी फेवरेबल सिचुएशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, ये तुरंत क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है मतलब कि वो जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट मतलब क्या, ग्रो हो जाता है, ये एम्ब्रियो का हो जाता है एकदम से ग्रो हो जाता है जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन इसकी मिलती है। यानी अगर एम्ब्रियो को वाटर ना मिले, सनफॉल ना मिले, सनरेज ना मिले, और कुछ इसके फर्टिलाइजेशन यानी कि कुछ इसको फर्टिलाइजर यानी कि न्यूट्रिशंस ना मिले, तो एकदम शांत रहेगा, एकदम इनएक्टिव। जैसे इनको ये तीनों चारों चीज़ें मिली उसी टाइम पे ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। द सीड में ऑल्सो कंटेन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भी रख सकते हैं, एंडोस्पर्म मतलब खाने का सामान, दिस इज द फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन यानी बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बड़े होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से, खाने से, तो उसको खाना चाहिए होगा, तो खाने के लिए सीड्स क्या करते हैं अपने अंदर एक एंडोस्पर्म भी रखते हैं, जो क्या करते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, खाना प्रोवाइड कराता है उनके नरिशमेंट के लिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, फिर क्या लिखा हुआ है, द सीड कैन विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, विदस्टैंड मतलब सामना करने के सब कैसे तो फेस करना, द सीड कैन विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ड्राउट एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं बीज जो होता है ना बीज, वो अनफेवरेबल कंडीशंस के बावजूद भी खड़ा रह सकता है, यानी उनको भी फेस कर सकता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हो, बहुत कम हो गई हो, फेस कर लेगा, ड्रॉट सूखा पड़ गया हो, पानी पड़े से ना पड़े, फेस कर लेगा। सर मतलब ये बताना चाह रहे हैं वहाँ पे इनएक्टिव से, मतलब कि अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को एक साल तक आप कुछ मत दो, ना पानी दो, ना उनको सन, उनको न्यूट्रा पानी दो, ना उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचने दो, वो आपके जो प्लांट्स हैं वो डाई हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डेड, ठीक है, वो डेड हो जाएंगे। लेकिन सीड ऐसा है, अगर आप उनको कुछ नहीं दोगे, अगर आप उनको कुछ नहीं दोगे तो वो इनएक्टिव रहेंगे, वो हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक, वो हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक डेड रह, वो साइलेंट रह सकते हैं, इनएक्टिव रह सकते हैं, सोते रह सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें सीड, चाहे उन्हें वाटर मिले ना मिले, संदेश मिले ना मिले, अगर मिलेगा तो ये ग्रो हो जाएंगे, अगर नहीं मिला तो नहीं होंगे, ठीक है। तो
वो लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ तक तो सब परफेक्ट है ना। अब आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। सीड्स को कुछ क्लासिफाई करेंगे उस कैटेगरीज में, और कुछ उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे अभी तक हमने बस एक ही पार्ट पढ़ पाया, एम्ब्रियो होता है, फिर एम्ब्रियो के अंदर तीन पार्ट होते हैं। उन तीनों के मैंने नाम हाईलाइट नहीं किए, पर आपको इन तीनों के बायोलॉजिकल नाम याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला कह रहा साइज की बात कर रहा है, वो कह रहा सीड्स वेरी इन साइज। मतलब ये क्लियर हो रहा है कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सभी के सीड्स तो सेम नहीं होते, आपको तो सभी के एक जैसे होते होंगे, छोटे छोटे ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, कॉफी कलर के ना, सभी का साइज अलग अलग होता है। सभी का साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ के सेम हो भी सकते हैं, बस कहने का कि सबों के सेम नहीं होंगे, सभी के सेम नहीं होंगे, कुछ के सेम हो सकते हैं, बस सभी के सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो कह रहे सम आर सो स्मॉल, कुछ कुछ इतने स्मॉल होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते हैं। ये लो, वो बेयरली विजिबल टू नेक्ड आइज, वो आपको नेक्ड आइज से दिखाई भी नहीं देंगे। इसे एग्जाम्पल दे रहा है, पॉपी सीड से, स्ट्रॉबेरी सीड से, तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। और कुछ इतने बड़े होते हैं कि मतलब आपके हाथ में आते से, मैंगो का हुआ, प्लम का हुआ, लार्जर सीड्स आर दोज ऑफ कोकोनट और डबल कोकोनट। कुछ तो ऐसे बड़े बड़े होते हैं, कोकोनट डबल कोकोनट ये तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आपको तीन उसने बता दिए, स्मॉल ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, स्मॉल, क्वाइट लार्ज और लार्जेस्ट। भाई साहब कैटेगरी इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको, पॉपी सीड्स, स्ट्रॉबेरी सीड्स स्मॉल में, मीडियम साइज में मैंगो प्लम, और लार्जेस्ट में कोकोनट और डबल कोको, है ना, कोको डबल कोको, ठीक है। द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी कंसिडरेबली, वेरी कंसिडरेबली, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट सीड्स इज द सेम। वो कह रहा है साइज देखा जाए, शेप देखा जाए, या फिर और कोई स्ट्रक्चर देखा जाए सीड का, तो अलग अलग प्लांट का वेरी कर सकता है, ठीक है, कंसिडरेबली, कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है मोस्ट ऑफ द सीड्स का, वो सेम होता है। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम ही होता है, ठीक है। फिर क्या रहा है, टाइप्स ऑफ सीड्स, टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड है ना, ऑन द बेस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब है खाने के आइटम की बात अगर करें, जो अपने फूड मटेरियल रख के चलते हैं, यानी सर इससे ये पता चलता है क्या, हम इसे ये कह सकते हैं कि इतने सारे सीड्स होते हैं, हर सीड के पास फूड मटेरियल नहीं होता, बिल्कुल हर सीड्स के पास फूड मटेरियल नहीं होता। वो कुछ कुछ सीड्स होते हैं जो अपने साथ फूड मटेरियल रखते हैं, कुछ कुछ नहीं रखते। तो सर उससे फर्क क्या पड़ेगा? बस कुछ उनकी ग्रोथ की स्पीड पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, और क्या पड़ेगा। तो कह रहे हैं ऑन द बेस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर क्लासिफाइड एज एल्बुमिनियस। क्या लिखा हुआ है? एल्बुमिनियस, एल्बुमिनस है ना, एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक यानी कहने का मतलब ई एन मतलब होना, इनके पास खाना होगा, और एक नॉन, इनके पास खाना नहीं होगा। इन सब सीड्स मेरे को पता नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं तो बस तुक्का मार जाऊँ थोड़ी थोड़ी वर्ड मीनिंग को पढ़ पढ़ के। मेरी आदत है कि मैं वर्ड मीनिंग को पहले तोड़ूँ, मीनिंग पढ़ने से पहले मैं वर्ड मीनिंग से ही ट्राई करूँ। तो क्या कह रहे हैं, इन सब सीड्स कॉटलडॉन्स आर थिन। इनके अंदर जो कॉटलडॉन्स होती है, कॉटलडॉन्स मतलब क्या, जो हमने पढ़ा था लीव्स जो होती हैं, इनके अंदर जो सीड लीड्स होती हैं, फ्यूचर लीव्स जो होती हैं, वो कहते हैं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और बहुत सारी पतली होती हैं, एंड मेम्ब्रेनस एंड एंडोस्पर्म परसिस्ट, और इनके अंदर ये लगातार ये चीज़ रहती हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे सीड्स का, मोनोकोट एल्बम, एल्बमिनस सीड, और जो दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट एल्बमिनस सीड्स, ठीक है। तो मोनोकोट के एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सीरल्स, मिलेट्स, पाम, और डाइकॉट में दे रहे हैं वो पॉपी, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। एक्स एल्बमिनस, एल्बमिनस है ना, एक्स एल्बमिनस है, इसका बिल्कुल एक्स है, इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसके अंदर जो चीज़ है वो इसके अंदर नहीं है। ओहो, ये बिल्कुल उल्टे निकल गए हमारे मीनिंग से, यहाँ पे कोई फूड नहीं था, यहाँ पर फूड है, यहाँ पर फूड है, हमारे वर्ड मीनिंग से थोड़े उल्टे चले गए। तो कह रहे हैं इन सब सीड्स द कॉटल डॉन स्टोर्स फूड एंड बिकम थिक एंड फ्लैसी, क्योंकि
सर। और ऑब्वियसली होता है इनके पास इतना सामान होते हैं, काफ़ी थक हो जाते हैं और काफ़ी भरे भरे से दिखाई देते हैं। फिर ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है, मोनोकोट एक्स एल्बमिनस सीड्स में वेलिसनेरिया ऑर्चिड्स अमोरफोफेलस। मैंने भी ये प्लांट्स कभी नहीं देखे आज तक, देखे होंगे तो नाम नहीं पता मेरे को, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम आ रहे हैं। और एक डाइकोट है एक्सेल बबिना सीड्स, तो ग्राम हुआ, पी हुआ, मैंगो हुआ, मस्टर्ड हुआ, तो डाइकोट में और मोनो में आपको कैटेगरी पता चल गई। ठीक है, तो ये तो ऑन दी बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म है ना, खाने के बेसिस पे उन्होंने दो क्लासिफाई किए। अगर बात की जाए मेनली तो ये दो टाइप के होते हैं, एक मोनो और एक डाइको, मोनो एंड मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स है ना, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करो। तो मोनो मतलब वो जिसमें केवल एक ही कोटिलिडन हो, डाइको डाई मतलब क्या जिसमें दो हो। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या, मेज ग्रासेस और पी ग्राम बीन है ना। ये बीन सीड की बात क्यों कर रहे हैं पहले सीधा। अच्छा मेज, अच्छा अगर उन्होंने हर तरीके के तो नहीं कह सकते हम। इन्होंने दो तरीके के सीड्स की बात की इन्होंने, ठीक है, एक बीन सीड का एग्जांपल लिया इन्होंने और एक ग्रेन का, एक बीन का यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया ग्रेन से। ठीक है, यानी एक मोनो का एग्जांपल दे दिया और एक डाइको का, ये मोनो ये डाइको का है ना, डाइका एग्जांपल। तो कह रहे देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन सच एज ब्रॉड बीन, लीमा बीन, फ्रेंच बीन एटसेट्रा। वो कह रहा बहुत तरीके के क्या होते हैं बीन्स हैं, जैसे कि ब्रॉड बीन हो गया, लीमा बीन हो गया, फ्रेंच बीन हो गया। सर क्या क्या कैटेगरीज हैं, ठीक है, बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सीड्स इज द सेम। लेकिन जनरल स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है, मोस्ट आर किडनी शेप्ड। ओहो, मोस्टली वो सारे किस्म होते हैं, मोस्टली वो सभी के सभी किडनी शेप्ड में होते हैं, किडनी शेप में होते हैं विद द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव साइड। अब इनकी जो साइड है वो कॉनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है। ठीक है, आपको पता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये कॉनकेव हो गया, अगर ऐसे जा रहा है एक्सेस ऐसे झुक रहा है तो ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं दोनों में से किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इसको कि ये कॉन्वेक्स कह रहे हैं, इसको कॉन्वेक्स इन्होंने घुमा दिया ऐसे, तो हो सकता है मैंने काफी टाइम पढ़ा था ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है ना। आप ड्रॉ कर लो कहीं पर लिख लो, एक छोटा सा यहाँ पे बना के लिख लो, अगर सी है तो वो कॉन्वेक्स है और उल्टा सी है तो वो केव है ना, कॉनकेव है ना। क्या क्या है यहाँ पे देखो, सीट देना आपको दे दे रहा है, ये सीड के अंदर का पार्ट है, कितनी छोटी सी लीव है जो बाद में बड़ी होकर पूरे पेड़ को हरा भरा कर देती है, कितनी छोटी सी लीव है, सीड है। एपिकोटल टेगमेंटेस्टा हाइपोकोटल रेडिकल कोटलीडन, क्या क्या है। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टेस्टा, वो कहना सीड कोट जो होता है ना, सीड का जो ढक ये जो होता है कवर, इसके अंदर क्या होता है एक टेस्टा होता है, क्या होता है एक टेस्टा होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, टेस्टा होता है, टेस्टा जो कि क्या होता है इसका आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग, हार्ड होता है काफी टफ होता है, ब्राउन कलर की एक कवरिंग कवर की तरह होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जो इसके अंदर जो डेलिकेट डेलिकेट नाजुक नाजुक जो पार्ट्स होते हैं सीड के, उनको ये प्रोटेक्ट करता है इंजरी होने से, फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरिया फंगी या इंफेक्शन आता है। ठीक है, फिर इनके अंदर दूसरी चीज होती है टैगमेन, टैगमेन कहाँ है, टैगमेन कहाँ है, टैग इतु इतु से एरिया, ये क्या कह रहा है टैगमेन या थिन इनर लाइन, ये थिन इनर लाइनिंग है टेक्सा, नेक्स्ट टेक्सा, टेक्सा के बगल में होती है,
एंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी जिसका भी काम क्या है प्रोटेक्ट करने का ही है, इसका भी काम क्या है प्रोटेक्ट कर। तो बात हो गई सीड के छिलके की, तो बात हो गई छिलके की, ठीक है। हम बात करते हैं हीलम की, किसकी बात करते हैं हीलम। हीलम क्या होता है सर, हीलम ये रहा दवाई देखा सर, ये कुछ बाहर है सर, ये कुछ कुछ बाहर हमें सर, ये सर जो संतुलन होता है ना बेसिकली, आप ऑरेंज में देखोगे वो जगह जो होती है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, हीलम, है ना, हीलम, हीलम या हीलम जो भी, हीलम ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो हीलम इज अ डिस्टिंक्ट, इज अ डिस्टिंक्ट वाइटिश ओवल स्कार, एक धब्बा है जो ओवल शेप में है, थोड़ा वाइटिश होता है और एकदम डिफरेंट, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट अलग, एकदम अलग ही स्कार है, ठीक है। ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द सीड, रुको बेटा ये मैंने सही बोला था पहले, मैंने सही बोला था, अपने अगर पेंसिल है तो सही कर लेना, ये वाली कॉनकेव है, ये वाली कॉनवेक्स है, मैंने पहले सही बोला था, ये कॉनकेव है और ये कॉनवेक्स है, ठीक है। तो ये कॉनकेव साइड पर होता है, तो ये आपने ऐसा कॉनकेव आप ऐसे ड्रॉ करोगे, तो अभी जो कॉनकेव साइड पे जो आया है बेसिकली वो, तो फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स लिखा है, उन्होंने थ्री डी लुक देने की कोशिश की, चक्कर में थोड़ा मिस हो गया, इल्यूजन सा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द स्पॉट वेयर द ओव्यूल वाज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल टू प्लेसेंटा, वो कह रहा है ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, मैं ज़रा साफ करूँ इसको थोड़ा सा, ये जो जगह है ना, ये जो जगह हीलम, ये बताता है, ये बताता है क्या बताता है, कि ये वही एरिया है जब ये पेट में जुड़ा हुआ था, जब ये पेट में यानी किस में, ओव्यूल में, ओव्यूल में जुड़ा हुआ था, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ये पेट में जब ये जुड़ा हुआ था, ये उस चीज़ को रिप्रिंट करता है, ये वो धब्बा पड़ गया है चाहती जो वहाँ से अलग होकर आया, तो ये यहाँ पे धब्बा बन गया भी है, ठीक है। द स्पॉट वेयर द ओव्यूल वाज अटैच्ड टू द ओवरी, है ना, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, अ टाइनी पोर कोल्ड, एक छोटा सा पोर और वहाँ पर कोल्ड माइक्रोपाइल सिचुएटेड क्लोज टू, सर कहाँ है माइक्रोपाइल, ओ सर ये रहा छोटा सा माइक्रोपाइल, एक छोटा सा होता है जो अटैच होता है वहाँ पर टू द हीलम, हीलम के पास होता है। इट मार्क्स द ओपनिंग, ये ओपनिंग मार्क करता है थ्रू विच द पॉलन ट्यूब हैड एंटर द ओव्यूल, जिसके वजह से पॉलन ट्यूब उसके अंदर आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, माइक्रो पाइल बोलो उसको, माइक्रो पिल बोलो, माइक्रो पाइल बोलो, माइक्रो पाइल दो तरह के काम करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में कोई चांसेस नहीं है, शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। व्हेन सोक्ड इन वाटर, जब पानी में इसको भिगोया जाता है, द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर मेनली थ्रू दिस माइक्रो पाइल, ओहो जब वाटर को पानी डाला जाता है ना सर, जब व्हेन सोक्ड इन वाटर, जब पानी से उसको भिगोया जाता है सीड्स को, जब सीड्स को पानी से भिगोया जाता है, तो सीड्स पानी एब्जॉर्ब कैसे कर पाते हैं, इन्हीं माइक्रोपिल की वजह से, इन्हीं होल्स की वजह से सीड्स के अंदर पानी जाता है, एंड मेक इट अवेलेबल टू एम्ब्रायो फॉर जर्मिनेशन, और ये पानी एम्ब्रायो को अवेलेबल करा देते हैं ताकि जर्मिनेशन हो सके, ओहो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर डिफ्यूजन, अगर बीच में डिफ्यूजन भी करना है उनको रेस्पिरेटरी गैसेस का, तो वो गैस बाहर कैसे निकल पाएगी, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो कैसे बाहर निकलेगी, वो डिफ्यूजन भी वो भी माइक्रोपाइल से ही होगा, माइक्रोपाइल से ही होगा, ठीक है। ब्लू द सीड कोट आर टू थिक कॉटल डेंस विच कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट, वो कह रहा है सीड कोट के नीचे दो थिक कॉटल डेंस भी होते हैं जो क्या करते हैं, मेनली आपका फूड कंटेन करते हैं एम्ब्रियो के लिए, और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। और केयरफुली सेपरेटिंग द टू कॉटल डेंस द टाइनी एम्ब्रियो कैन ईजिली बी सीन अटैच्ड टू वन ऑफ द कॉटल डेंस, वो कह रहा है अगर आप उसको केयरफुली सेपरेट करोगे कॉटल डेंस को, तो आप देख पाओगे कि छोटे छोटे एम्ब्रियो जो है ना वो आपको ईजिली दिखाई देंगे कि वो कैसे किसी ना किसी एक कॉटल डेंस से अटैच्ड है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, ओहो दो पार्ट होता रहा है, बेसिकली रेडिकल विच लेटर फ्रॉम द रूट, है ना, द प्लमुल, प्लूमुल विच लेटर फ्रॉम द शूट्स और लीव्स रह चुके हैं, अरे बताएगा भी, तो कह रहा है प्लूमुल कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम विद अ पेयर ऑफ टाइनी लीव्स, है ना, तो वगैरह प्लमुल के साथ ये लीव्स जुड़ी होती हैं एंड अ ग्रोइंग पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में जगह भी होती है जहाँ से वो ग्रो करते हैं। डू नॉट मिसपेल रेडिकल इज रेडिकल, वो कह रहा है इसे रेडिकल को
रेडिकल मत पढ़ना जो कि केमिस्ट्री में है बेसिकली, ठीक है। ये वो वाला रेडिकल नहीं है, उसका रेडिकल का मतलब क्या तत्व, तो ये वो तत्व नहीं है ये, ठीक है। आप रफ लैंग्वेज के लिए इसको एक एलिमेंट बोल सकते हो, उसके अंदर एक सब्सटेंस ये बड़ी बोला सब्सटेंस नहीं हो, केमिस्ट्री में हमारा मीनिंग होता है ये, हमें ये बताया तो हमें पता ही है वैसे भी। फिर कहता है रीजन ऑफ द एक्सेस ऊपर को नीचे का बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स एंड द प्लमर इज कॉल्ड एपिकोटल, दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे? नहीं दिया हुआ, दे रहा दे रहा। वो कह रहे एक्सिस का जो ऊपर का जो नीचे का एक्सिस होता है ना बेसिकली, ठीक है, जिससे कॉटिलेडन जुड़ा होता है और प्लमुल जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटल बोलते हैं। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटल, इस एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है उसको हम हाइपोकोटल बोलते हैं। इसके नीचे का जो एरिया है ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटल बोलते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ तक क्लियर है, यहीं तक करें। हाँ क्लास बहुत छोटी हो रही है, क्या टाइम हो रहा है, ये कितना रह गया जी? मेज वाला भी, मेज वाला छोटा है, चलो मेज वाला भी कर लेते हैं ना, मेज भी कर लेते हैं। मेज ग्रेन, द मेज ग्रेन एक्चुअली सिंगल सीडेड फ्रूट। मेज ग्रेन क्या होता है, ये बेसिकली मोनो का एग्जांपल है, मोनो है ना, तो मोनो के अंदर एक ही आएगा है ना। द मेज ग्रेन इज एक्चुअली सिंगल सीडेड फ्रूट होता है ये बेसिकली, इन द फ्रूट वॉल इन द सीड पॉट आर फ्यूज, जो दोनों एक साथ ही फ्यूज होते हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्टिव लेयर बना सकें, इसीलिए बी कॉल सच फ्रूट अ ग्रेन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। सर अभी लॉजिक को समझ में नहीं आया बोलने का, बस बोला इन्होंने कि हम इसलिए इस फ्रूट को क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। और दो सेकंड होल्ड करना। हाँ हेलो, सॉरी आपको थोड़ा वेट कराया, ऑफिस से थोड़ा कॉल आ गया था। आपको ऑफिस से बात हुआ, ऑफिस से कॉल आ गया?
ऑफिसर काम से फोन आया था। अब आते रहते हैं सुबह सुबह भी। हो क्या कर रहे थे हम, क्या क्या कर हम यहाँ पे थे। ऑन वन साइड ऑफ द पूरा पढ़ लेता हूँ, पूरा स्लो बिगड़ जाता है। द मेज ग्रेन इज एक्चुअली सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच द फ्रूट बॉल एंड द सीड पॉट आर फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। बिल्कुल, इसलिए हम इसको ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। ऑन वन साइड ऑफ द ग्रेन, ऑन वन साइड ऑफ द ग्रेन अकर्स अ स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया। वो कह रहे हैं ग्रेन की एक साइड में, ग्रेन की एक साइड में होती है, अकर मतलब होता, कुछ होता है, क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता है जो कलर्ड होता है, ओवल शेप में होता है, जो कलर्ड होता है ओवल शेप में होता है, जो क्या करता है, जो एक लोकेशन बनाता है बेसिकली, जहाँ से एम्ब्रियो अंदर आता है, यानी एम्ब्रियो की तरह से एंट्री में बनाता है, उस जगह से एम्ब्रियो अंदर आता है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेन कंटेन्स अ लार्ज एंडोस्पर्म विच इज रिच इन स्टार्च। स्टार्च मतलब इनका खाने का आइटम, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं बेसिकली रफ लैंग्वेज, एक नॉर्मल लैंग्वेज में। तो कह रहे हैं थोड़ी सी जगह तो उसके अंदर ग्रेन के अंदर एम्ब्रियो के लिए होती है, और लेकिन जो सबसे ज्यादा जगह वो एंडोस्पर्म के लिए, वो एंडोस्पर्म के लिए होती है। एंडोस्पर्म मतलब क्या, जिसके अंदर खाने की जगह, और खाने बेसिकली क्या है, बहुत सारा रिच मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्च है, यानी ग्लूकोज है। द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियोनिक पार्ट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये कहाँ से एम्ब्रियोनिक कहाँ से आ गया, अरे तो एंडोस्पर्म की बात चल रही थी। तो ये कह रहे हैं एंडोस्पर्म और एक एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है, वो दोनों अलग अलग, वो अलग उनको अलग किया जाता है फ्रॉम ईच अदर बाय थिन एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर कौन सी होती है, जो बाहर जो होती है, हमारी स्किन जो होती है ना वो एपिथेलियल लेयर से ही बनती है, एपिथेलियल टिश्यूज आपने पढ़ रखे हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन। जो बाहर की जो लेयर होती है ना उनकी एंडोस्पर्म की, वो काफ़ी रिच होती है प्रोटीन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, एंड इज कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर यानी किसको, जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना एंडोस्पर्म की, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एल्यूरोन लेयर। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटलेडॉन। एम्ब्रियो के में जो इसके अंदर जो होते हैं ना मेज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक सिंगल कॉटलेडन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम है ना। और एक रेडिकल भी होता है, एक प्लमिल भी होता है, ठीक है, सूट के लिए है ना, और टिप रूट के लिए, ठीक है। द रेडिकल इज टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड। जो रेडिकल होता है वो बिल्कुल एंड की तरफ होता है, वो कहाँ पर होता है, बिल्कुल एंड की तरफ होता है, जो रेडिकल होता है ना बिल्कुल एंड की तरफ होता है। एंड इट इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव शीथ। इस शीथ का मीनिंग लिखो, ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैं भी देख के आपको बताता हूँ। शीथ एक नया वर्ड है मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी होगा। SHEAT, SHEAT, सीट मतलब होता है क्योस, कोसा जगह, जगह बेसिकली के जगह। तो वो कह रहा है ये एक प्रोटेक्टिव जगह से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोरिजा, कॉलोरिजा। थोड़े अजीब अजीब वर्ड्स आएंगे, आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके से याद भी नहीं होंगे। आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर दो तीनों पढ़ने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम है तो। बैंड पर उठाओ, अगर मेरी वीडियो छोटी छोटी आ रही है कैसे, तो उस चीज़ का फायदा बैठाओ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी 40 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट चैप्टर को द्वार से पढ़ो, और द्वार से पढ़ने के बाद 2 मिनट, तो इसको फिर 20 मिनट पढ़ने के बाद इस वीडियो को द्वार से देखो, तब आपको थोड़ा ये समझ में आ पाएगा। थोड़े वर्ड्स वैसे हैं, काफ़ी नए वर्ड्स हैं इसके लिए, यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, नया है बस यहाँ पर, ठीक है। द फ्लूमूल इज टूवर्ड्स द अपर बॉर्डर साइड। ये ऊपर की तरफ होता है ना, ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन, एम्ब्रियोनिक रीजन की तरफ, और एनक्लोज होता है प्रोटेक्टिव शीट से, और ये भी एक प्रोटेक्टिव शीट से क्लोज, वो एनक्लोज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल यानी कि रेडिकल जिससे प्रोटेक्ट होता है वो तो कोलोरिजा होता है, ठीक है, और है ना, और जो अपर ब्रॉडर साइड पर जो बेसिकली होता है, जिससे मैं ये बोल सकता हूँ, जिससे प्लूमेल बेसिकली प्रोटेक्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल है ना।
आपको सर आपको इस चीज़ का समझ में आ जाती है कि कौन सी किसके लिए दी गई है। रीडिंग की हैबिट है मेरी, अब आपको उसे 4 बार रीड करने पर समझ आएगी, हो सकता है मेरे एक बार में आ जाए, लेकिन इसका नहीं कि आपको नहीं समझ आएगा। आप 4 बार रीडिंग करो ना, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। बाकी तो मैं कह रहा हूँ आप खुद भी समझोगे ना, उसका मर्जी अलग आएगा। द मेज ग्रेन इज मोनो कॉटिलेडन कॉटिलेडन मोटो मोनो कॉटिलेडनस एंड एंडोस्पर्म में, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रेन आर राइस एग्जाम्पल्स में आपका कुछ नहीं है, ठीक है। आपको फीचर्स दिए होंगे, पिक्चर दी हुई है, यहीं तक करते हैं। डिफरेंस कल स्टार्ट करेंगे ताकि समय रिविजन भी हो जाए। होमवर्क पे आए ज़रा, अपने क्वेश्चन आंसर्स पर आए ज़रा। क्वेश्चन आप मार्क करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इज करेक्टली मैच्ड विद वन ऑफ इट्स स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्ड्रोन की भी आपको मीनिंग मैंने बताया है ना, तो आप ये वाला होमवर्क में कर सकते हो। एंडोस्पर्म का कर सकते हो, ट्राई कर लेना, सारे ट्राई कर लेना। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सीड्स सोन वेरी डीप इन द सॉइल फेल टू जर्मिनेट बिकॉज दे अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अगर हमने जर्मिनेशन पढ़ा नहीं है तो उसको छोड़ दो। सम सीड्स हैव नो कॉटिलेडन, ये देखना। मेज ग्रेन क्या है, फ्रूट है, सीड है, बताओ। सीड्स से फॉलन ऑफ फ्लावर बेड ना, बेकार। ऑक्सीजन नेसेसरी पढ़ाने की, ये आप कर सकते हो। आप केमिकल यूजिंग एक्सपेरिमेंट विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन ना, हाँ ये आप बता सकते हो। ये वाला बता सकते हो, ये वाला नहीं। इंड्यूस सीड्स डेथ ग्रोथ फास्टर, ट्राई करना, ये सारे हो जाएंगे। आप आर इन द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म्स इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इन लॉजिकल सीक्वेंस, अच्छा मतलब इसको भी है ना। ये कहता है ये शॉर्ट है, ये वेरी शॉर्ट है, अच्छा। डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड सीड हम बता सकते हो, ट्राई करना। ये वाले आप ट्राई कर सकते हो। ना अभी ये भी मत करो, इसको बाद में बताएंगे। फंक्शन शायद हमने इनके कर लिए हैं, जरा इनके फंक्शन आप मुझे बताओगे, ठीक है, लिख के। एग्जैक्ट एजिटेशन क्या हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। अब पहले आपको पढ़ते पढ़ते क्या इनके फंक्शन सुनने से निकलेंगे। ये वाला ठीक है, बस इतना ही करते हैं। फारसी भी साउंड आ रहा है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, बस ऑफ करते हैं।